सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम। ITBP एनिमल ट्रांसपोर्ट, ITBP टेलीकॉम, ITBP ट्रेड्समैन, तो इन सभी के फाइनल रिजल्ट कब तक आएंगे? बहुत सारे भाई बहनों के कमेंट आ रहे थे कि सर एडमिट कार्ड और फाइनल रिजल्ट कब तक आने वाला है हमारा नेक्स्ट स्टेज का। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। देखिए, जिस भी बच्चे का, ध्यान से सुनना, जिस भी बच्चे का फिजिकल प्लस रिटन कंप्लीट या क्वालिफाई हुआ है, उन लोगों को किस तरीके का इंटरफेस शो होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, जो भी बच्चे ITBP एनिमल ट्रांसपोर्ट, ITBP टेलीकॉम का एग्ज़ाम दिए हैं, आई होप उन्होंने अपना रिजल्ट चेक कर लिया होगा। और हम आपको कंप्लीट वीडियो के अंदर बताते थे कि कैसे आपको अपना वो चेक करना है। तो थोड़ा सा मैं एक झलक दिखा देता हूँ आपको। आपको जैसा कि यहाँ पे ये डाटा शो हो रहा होगा, देखो यहाँ पर EXT यानी कि EXT और मेंस का क्या मतलब है, आज की इस वीडियो में ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, जो भी बच्चा, देखिए यहाँ पर एक्सटेंशन, ये देखिए, ये OBC का कैंडिडेट है, नाम तो नहीं बोलूँगा, ये OBC का बच्चा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, इसका UR कैटेगरी में 86, ठीक है, 86 इसका मार्क्स आया है, तो ठीक है, तो ये मतलब काउंट किया जाएगा OBC में ही, लेकिन 86 एक्सटेंशन, ठीक है। तो ये मतलब आपको मैं बता दूंगा कि ये क्या होता है। देखिए 86 एक्सटेंशन, तो ये इसके मार्क्स है, ठीक है, 86 मार्क्स आए बंदे के, OBC का है, लेकिन जनरल की मेरिट या कट ऑफ को पार किया है, ठीक है। और यहाँ देखिए क्वालिफाइड इस तरीके से, और यहाँ पर आप देख सकते हैं DME RME अभी क्या है आपका, नहीं हुआ है DME, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन और री मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। और साथ ही साथ मेंस वाले की हम बात करेंगे, तो आई होप आपको मैंने बता दिया है कि मेंस का क्या है। देखिए, अगर आपका सपोज करो आपका जो फाइनल रिजल्ट आता है और आप चेक करते हैं कि मेरे 87 मेंस, आपके अगर रिजल्ट में ये शो रहा है 87 मेंस, इसका मतलब क्या, आपकी जो रैंक रहेगी वो ऑल इंडिया 87 है, यानी कि 8 मेंस जहां भी दिखेगा आपके रिजल्ट के सामने मेंस, तो समझ जाइएगा आपका फाइनली सेलेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि आपके मार्क्स भी अच्छे हैं और आप मेंस की कैटेगरी में काउंट होंगे, ठीक है। साथ ही साथ बताने वाला हूँ कि देखिए, जो ITBP पशु परिवहन और ITBP टेलीकॉम वाले बच्चे हैं, ठीक है, तो उन लोगों का इस तरीके से यहाँ पे प्रोसेस शुरू होने वाला है, ठीक है। अभी काफ़ी सारे ITBP की जो वैकेंसी है, जैसे ड्राइवर वाली है, तो वो भी अभी रनिंग में है, तो जिस वजह से अभी रिजल्ट आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो आने में थोड़ी सी देरी हो रही है, ठीक है। और जहाँ तक मेरे को पता चला है कि आपकी जो ज्वाइनिंग होने वाली है 15 से 20 दिसंबर के बाद आपकी यहाँ पे ज्वाइनिंग देखने को मिलने वाली है। ध्यान से सुनिएगा बात को, 15 से 20 के बाद आपकी ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो आप चैनल पर विजिट करते रहें, और साथ ही साथ जिस भाई बहन ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को प्रेस करना, ठीक है, ताकि आपको भविष्य में ITBP डिफेंस की प्रॉपर अपडेट मिलती रहे। साथ ही साथ SSC GD का अप्लाई ऑनलाइन चल रहा है, ठीक है, अभी 250 प्लस फॉर्म हमारे टीम ने फिल कर दिए हैं, और साथ ही साथ DSSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के भी यहां पर MTS और आपका स्टोर कीपर, ठीक है, अटेंडेंट, कैंटीन अटेंडेंट, काफ़ी सारी वैकेंसीज आई है ग्रुप BC के अंतर्गत। तो जो भी कैंडिडेट फिल करवाना चाहता है DSSSB में फॉर्म, देखिए पिछली बार बहुत सारे बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हुए थे, कारण क्या था, गलत फोटो अपलोडिंग, गलत जो है आपका साइज़ वगैरह जो MB KB में होता है, तो उसके लिए भी हमारी टीम पूरी हेल्प कर रही है आप लोगों की। देखिए 20-30 रुपए बचाने के चक्कर में फॉर्म ख़राब हो जाता है ना, तो तब दुख होता है कि नहीं सर सही बोलते थे कि फॉर्म फिल करवा दे। तो हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप मिल जाएगा जहाँ पर हम सभी गवर्नमेंट जॉब्स के फॉर्म भरते हैं और अपडेट भी करते हैं, ये फॉर्म आया है, ये एलिजिबिलिटी है, इस तारीख को ये है, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट जुड़ना चाहता है, ठीक है, हमारे ओल्ड सब्सक्राइबर है वो भी काफ़ी टाइम से जुड़े हैं, 1 साल 1.5 साल हो चुका है उनको, तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं अगर आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है। अगर आपके घर से साइबर कैफ़े दूर रहता है तो आप अपने फॉर्म फिल करवा सकते हैं। तो वीडियो में ये जानकारी थी, वीडियो अच्छी लगी है चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब।